हेलो दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम ऐसा ट्रांसफार्मर जिससे हम 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट एक ही ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बनाता हूँ फटाफट से, फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को घर पे बनाए तो इसमें जो वायर आप यूज ले वह अच्छा वाला ही यूज ले, ताकि ये सालों साल चल सके। मैंने जो वायर यूज लिया है वो आपको दिखाने के लिए एल्यूमिनियम का वायर ही यूज लिया है। इसमें वायर गेज जो कि 30 नंबर वायर यूज लिया है, आप आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हो। और दोस्तों, आपको किसी भी जगह समझ में न आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों, वीडियो स्किप कर करके देखोगे आप तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखने के बाद ही पूरा समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो दो बार देख के समझ सकते हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हर एक चीज़ मैंने अच्छे से दिखाई है। सो दोस्तों, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो वीडियो को आराम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, इसकी पत्तियों को सेट करते वक्त ये ध्यान रखें कि पत्ती तार से टच ना हो, नहीं तो करंट आ सकता है, इसलिए पूरी सावधानी से पत्तियों को सेट करें। तो दोस्तों, इतनी मशक्कत के बाद हमने ट्रांसफार्मर बना के तैयार कर लिया है। अब देखते हैं इसमें कौन से तार में कितना करंट आ रहा है। सो दोस्तों, इसमें 6.5 के आसपास इसमें आ रहा है, 11.7 और इसमें आ रहा है 17.5,
और इसके बाद लास्ट वाले में जो कि 23 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों मेरी तरह आपके दिमाग में भी कोई खुरापाती आइडिया आता है तो वह मुझे बता देना ताकि मैं करके आपको दिखा सकूं। खुरापाती आइडिया वही दिखाना जो लाइट से संबंधित हो।